हैं आपको सामने बेटे कैमरा पकड़ दे। तो ये है भैया अनिल जी, हमारे राजस्थान के मशहूर कलाकार। बहुत बढ़िया लगा भाई साहब आपसे मिलके। और ये पता नहीं कौन सा भाग है किले का, ऊपर है किला। तो एंट्री उधर से मिल रही थी लेकिन हमें नहीं मिली, बोला कि काम चल रहा है। और यहाँ पे अंदर मजदूर रहते हैं और बस बाहर से ही देख के हम अपने मन को शांति दे रहे हैं। अपने मन को शांति दे रहे हैं भाई। ये इधर अच्छा शानदार दिख रहा होगा आपको सनसेट, ऊपर जाके दिखाते लेकिन क्या करें, ऊपर यहाँ से भी दिख रहा है ना थोड़ा सा के ये ऊपर हमारा टीला सपना ही रह गया। हमारा किला सपना का सपना ही रह गया और टीला आपको दिखाते हैं लेकिन क्या करें, मजबूरियाँ ऐसी है। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। तो मैंने वीडियो पूरा शूट कर लिया लेकिन उसको शुरू करना ही भूल गया। तो आज का वीडियो में जो भी होने वाला है वो आपको मैं पहले बता देता हूँ। पहले हम जाएंगे कुचामन किला, फिर जाएंगे हम अंजी अनिल नुआ कॉमेडियन से मिलने। तो ये चीज़ें आप व्लॉग में आगे देखें। तो शुरू होता है हमारा वीडियो कुछ इस प्रकार। तो अभी अभी भाई हमारा प्लान हुआ है कि हम जाके आए सामने, वो टीला दिख रहा है ना, ये टीला उस पे जाने का विचार है। तो देखिए जाके आते हैं एक बार, कटने को ले लो। तो यहाँ पे जाके आएंगे अभी और वहाँ से देखते हैं कि कैसा दिख रहा है हमारा ये कुचामन का इधर का है पूरा एरिया। तो भाई यहाँ तक आ गए टीले के पास में, लेकिन यहाँ आकर मुझे वो पुरानी वाइप्स आ रही है कि देखे ये देखो आप, बड़े बड़े किलों पे गेट होता था ना राजा महाराजा के टाइम, वो गेट है भाई यहाँ पे और किला है आगे, लेकिन ये गेट बंद है पता नहीं कहाँ से। तो इधर बाइक तो खड़ी कर दी लेकिन अब जाए कहाँ से, ये तो पता नहीं खुली कहाँ रहा है, खुलने का पता नहीं चल रहा है कि किधर से खुलेगा। तो बस इसी के बाहर बैठे हैं और एक साथ वाले को भेजा है, फिर जाके पूछ के आए किधर से खुलेगा किधर से नहीं, फिर हम जाए अंदर। ऐसे मन कर गया कि जाके देखते हैं लेकिन आज पहली बार जा रहा हूँ, कभी पहले नहीं गए यहाँ पे। तो चलो अगर कहीं से अनुमति मिलेगी तो जाके मैं भी देखूँगा ऊपर से कैसा दिख रहा है और आपको भी दिखाऊँगा। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्यों बैठे हैं भाई, यहाँ पर चल रहा है काम। और ये पता नहीं कौन सा भाग है किले का, ऊपर है किला। तो एंट्री उधर से मिल रही थी लेकिन हमें नहीं मिली, बोला कि काम चल रहा है। और यहाँ पे अंदर मजदूर रहते हैं और बस बाहर से ही देख के हम अपने मन को शांति दे रहे हैं। अपने मन को शांति दे रहे हैं भाई। ये इधर अच्छा शानदार दिख रहा होगा आपको सनसेट, ऊपर जाके दिखाते लेकिन क्या करें, हमें खुद को देखने के लिए नहीं मिला। चलो भाई कोई ना, यहाँ से जी भर के देख के जाएंगे आज। ये है वहाँ पे मेन, ऊपर का मेन किला वही है ना, ऊपर यहाँ से भी दिख रहा है ना थोड़ा सा के ये ऊपर हमारा टीला सपना हमारा किला सपना का सपना ही रह गया। और टीला आपको दिखाते हैं लेकिन क्या करें, मजबूरियाँ ऐसी है, बोला काम चल रहा है वरना तो हम तो चले जाते, बहुत पैसे लेके आए हम। ये देखो आपको पैसे दिखाते हैं, दिखा पैसे दिखाओ, बहुत सारे पैसे हैं हमारे पास, पैसे लेके आए थे। ये मत सोचना कि इनके पास पैसे नहीं है, ये देखो गिना दे भाई, लेके आए हैं पूरे 2500 रुपये घूमने के लिए, लेकिन ये नहीं दे रहे हैं एंट्री। तो क्या एंट्री नहीं दे रहे भाई, ये 500-500 की टिकटें थी लेकिन ये देखो नहीं मिली। कोई बात नहीं, बस और अपने दर्शकों को दिखाएंगे, ये काम कंप्लीट होने के बाद आएंगे और फिर दिखाएंगे यहाँ पे जो भी है ना जितने भी पुराने वुराने। अच्छा शानदार कला संस्कृति के बनाए हुए संस्कृति के। चलो चलते हैं भाई वापस। ये है यहाँ का मेन प्रवेश द्वार, ये देखो कुचामन ट्रस्ट, वहाँ पे हमारी बाइक खड़ी है
और ये कोई घूमने वाली है क्या? ना यार यहाँ कहीं लगते हैं मुझे, ये थोड़ी है। एक मिनट देख लेते हैं भाई। ये एक और कितने नंबर है इसके? ये गाड़ी, ये एक और गाड़ी आई है सीजी नंबर की, चंडीगढ़ की है ना ये। और ये चली गई और हम बाहर के बाहर ही रह गए। बाहर है भाई ये। अरे इनको एंट्री कैसे मिली पता है तेरे को? पता नहीं अभी एंट्री कहाँ पे मिली है। तो अब वो जाके वापस आ जाएंगे, हमारे वापस आ जाएंगे, देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो भाई ये गाड़ी भी वापस आ गई। हाँ वही है ये गाड़ी, वापस आ गई भाई। इसी को भी एंट्री नहीं मिली, हमें कोई दुख वाली बात नहीं है क्योंकि हमें एंट्री नहीं मिली तो इसको भी नहीं मिली। कोई बात नहीं है, कभी काम कंप्लीट होने के बाद में आएंगे। तो भाई अभी जा रहा हूँ मैं प्रेरणा टावर हमारे कुचाउन में, वहाँ पे आए हुए अंजी नोवा कॉमेडियन, हमारे राजस्थान के मशहूर कलाकार हैं। तो बस उन्हीं से मिलने के लिए हम जा रहे हैं। और एक आगे यार ट्रैक्टर चल रहे हैं जिसमें से चारा उड़ उड़ के यार मुँह पे आ रहा है, उससे आगे होना पड़ेगा। तो हॉस्टल में बैठा था लेकिन अचानक से अपने धर्मेंद्र जो अभी हमारी ऊपर कोचिंग चलती है प्रेरणा टावर में, तो वहाँ पे वो आए हुए थे। तो उन्होंने बताया कि नीचे आज अंजी नोवा पधारे हुए हैं, तो बस उन्हें से मिलने के लिए हम निकल गए। और साथ में अपना जीतू भाई, इतने ट्रैफिक में वीडियो के लिए एक हाथ से बाइक चल रही है और ये साइड नहीं दे रही यार। फिलहाल हम पहुँचे चुंगी नाका, यहाँ से आगे है प्रेरणा टावर और निकल जाए ये ट्रैक्टर यार फिर आगे रहेगा। चलो ज़्यादा दूरी पे नहीं है, ये निकल गए। तो भाई फिलहाल हम पहुंच गए प्रेरणा टावर, ये इधर अपनी स्कॉर्पियो खड़ी जय किसान छात्रावास की, और सामने है प्रेरणा टावर यहीं पर। एक मिनट पकड़ना। तो भाई हम पहुंच गए यहाँ पे प्रेरणा टावर में, ऊपर हमारी कोचिंग चलती है और फिलहाल वो है इस दुकान में। तो मिलाते हैं आपको ये सामने बैठे, कैमरा पकड़ दे। तो ये है भैया अनिल जी, हमारे राजस्थान के मशहूर कलाकार। बहुत बढ़िया लगा भाई साहब आपसे मिलके। राम राम साहब। अभी हम अंजी नोवा से मिलके आ गए और अभी वो चले भी गए वहाँ से जहाँ पे हम मिले थे। वो हमारे प्रेरणा टावर में कोई उनके फ्रेंड की दुकान है, वहाँ पे आए थे और वो चले गए अब। और उनसे मिलके हमें बहुत खुशी हुई और उन्होंने हमें काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई हमारे फ्यूचर को लेके, हमारे चैनल को लेके, और जो भी हमारा वीडियोज़ बनाने का काम है, जो भी हमारा जो टाइटल थंबनेल हम जो बनाते हैं उनमें सुधार के बारे में काफ़ी उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई। हमें बहुत अच्छा लगा मिलके और काफ़ी दिनों से एक सपना था कि यार कभी इन करेक्टर से भी हम मिलेंगे, तो आज फाइनली वो दिन था कि हमें मिल गए। वैसे मैं काम कर रहा था, आज संडे था तो हॉस्टल का काफ़ी काम था, उसी काम से हॉस्टल में मैं लगा था। और अगर आप कमेंट करोगे तो मैं एक दिन अपने हॉस्टल का भी वीडियो आपको पूरा बना के और दिखाऊँगा। तो उसी काम में लगा था और वहाँ पे धर्मेंद्र हमारे वहाँ पे कोचिंग चलती है, तो मैंने आपको पहले बताई है। वहाँ पे आए हुए थे और धर्मेंद्र ने मुझे फ़ोन करके कहा कि आज वो आए हुए हैं यहाँ पे। तो मैं जैसा था बिना नहाया धोया जैसा भी था ली बाइक और चला गया, साथ में उसी टाइम पे जीतू भी आया हुआ था। तो हम दोनों गए और आपको उनसे मिलवाया, हम भी मिले और अब मैं वापस आ गया। तो अभी जाना है हमें घर पे, आज थोड़ा सा घर पे काम है तो वो काम निपटा के आएंगे और मिलते हैं आपसे आगे वीडियो में।
से क्यों